फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुलेखा और आप देख रहे हैं सुलेखा लाइफस्टाइल चैनल। तो आज हम कहां जाने वाले हैं, चलिए वहां पहुंचकर बताएंगे। गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहां हो रही है इवनिंग और हम निकल रहे हैं। कुछ पुराने कपड़े हैं उनको हम पहले डोनेशन बॉक्स में डालेंगे, देन उसके पास एक स्टोर है और बहुत अच्छा स्टोर मुझे लगता है। रियली आई लाइक दैट स्टोर, तो मुझे बहुत पसंद है। और कौन सा स्टोर है, वहाँ क्या क्या है, तो चलिए वहाँ पहुँच कर आपको दिखाते हैं। और इस व्लॉग को देखिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। कौन सी ड्रेस लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्या क्या है उस स्टोर में, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। टन टन। जो पुराने कपड़े थे हमारे पास वो हमने डोनेशन बॉक्स में डाल दिए हैं और इसका वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अब चलते हैं वहाँ जो है मेरा फेवरेट स्टोर। जी हाँ, ये है अमेरिका का बहुत ही अच्छा बेस्ट स्टोर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी यूएसए में रहता है बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री ज़रूर जानता होगा। तो यहाँ अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस स्टोर में क्या क्या है अंदर। और इसके बाहर का नज़ारा देखिए, यहाँ पर है मैक्सिकन फूड रेस्टोरेंट एंड साथ में बहुत सारी शॉप हैं इसके आसपास, बट संडे के टाइम में कुछ ही शॉप खुलती हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। इसका टाइमिंग तो वैसे 10 o'clock है नाइट में, बट हो सकता है मे बी पहले भी बंद हो जाए। बट चलिए यहाँ से लेते हैं हम कार्ट और शुरू करते हैं शॉपिंग। और हम क्या लेने वाले हैं, चलिए आप भी देखिए क्या क्या है। तो ये देखिए मेरे पीछे पर्स है, बहुत सारी पर्स हैं। चलिए देखते हैं आपको कौन सी अच्छी लग रही है और आपको भी दिखाती हूँ, लेते हैं। तो इस स्टोर की एक खास बात है कि यहाँ पर किड्स सेक्शन बहुत अच्छा है एंड किचन स्टफ भी है। और ब्यूटी का कोई भी सामान लेना हो, एडल्ट एंड किड्स सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो आप कुछ भी यहाँ पर लेकर ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट है स्टोर। तो अगर आप यूएस आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ से आप सामान लें अपने अच्छे प्राइस में और बढ़िया से बढ़िया। लग रही है ना सारी जितनी भी पर्स है, बहुत अच्छी लग रही है। रियली मैं तो यहाँ घूमते घूमते ही लगता है पूरा टाइम निकल जाता है और समझ में नहीं आता है क्या लूँ क्या ना लूँ। आपके साथ भी होता है क्या, जब भी आप जाते हो मार्केट और अपने लिए कुछ लेना होता है, यार ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बट लेना एक ही होता है और पूरा स्टोर हम ढूंढते ढूंढते सब कुछ लगता है कि ले ही लेंगे, बट हमें अपनी पॉकेट भी देखनी। तो आइए आप भी हमारे साथ शॉपिंग एंजॉय करिए। मैं यहाँ आई थी एक पर्स लेने, बट मुझे यहाँ पार्टी वाली पर्स दिख रही है। ये देखिए 27.99 का है और ये वाला मुझे सिंपल सा पर्स चाहिए जो डेली यूज़ में साइड में टांगते हैं। तो ये छोटा सा है, ये भी मेरे पास है ऑलरेडी 3-4 पर्स मेरे पास हैं, बट मुझे एक ऐसा चाहिए जो साइड में ऐसे डेली टांग के जा सके। तो वही मैं प्राइस देख रही हूँ यहाँ पर। देखिए आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्स है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मन कर रहा है सारे ले लूँ, बट मुझे जो चाहिए और प्राइस में अच्छा हो बस वही लेना है जो कि देखने में भी थोड़ी सी मजबूत सी हो। तो ये देखिए इतनी सारी पर्स लोगों ने कैसे उठाकर फेंक दिया और मैंने ये सेलेक्ट की हैं। और ये देखिए ये बहुत प्यारी लग रही है, बट ये थोड़ा सा किड्स वाली लग रही है। तो अभी मैंने ली है, अभी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगी कौन सी ले जाऊंगी। तो आप बताइए कैसी लग रही है ये वाली पर्स। तो चलिए आगे भी देखिए इस मॉल में और हम क्या देख रहे हैं, क्या लेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरा मैं ये वाला स्टोर घुमाऊँगी, तो आप बने रहिए इस व्लॉग में, एंजॉय करिए। तो यहाँ संडे की इवनिंग हो गई है, संडे की इवनिंग में ऐसा लग रहा है कि सामान पूरा खाली हो चुका है और काफ़ी लोग बाय करके चले गए हैं और मुझे नहीं मिल रहा है कुछ भी।
फिर भी मैंने एक पर्स तो ले ली है, चलिए आपको दिखाऊंगी और भी घूमते हैं यहाँ पर। लेकिन इन्होंने बोला है कि बस ये मॉल जल्दी ही बंद होने वाला है, और मैं पता नहीं था, हम 6:30 आए थे इवनिंग और यहाँ पर होने वाला है 6:50, तो बस हम पर्स ढूंढने में ही लग गए और इतना टाइम हो गया और ये मॉल बंद करने का टाइम हो गया। रियली नहीं पता यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या हुई है। उन्होंने कहा है बस ये क्लोज़ करने वाले हैं और जल्दी क्लोज़ करें। देखिए यहाँ लाइन लगी हुई है, तो देख लिए, आपको इतना ही दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो बहुत बड़ा है ये स्टोर, फिर दिखाऊँगी। तो आप इंजॉय करिए इस व्लॉग को, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टोर से निकल चुकी हूँ, फाइनली एक पर्स ले ली है और अब जा रही हूँ कैपेचिनो बिने, मीन्स स्टारबक्स, मेरा फेवरेट कैपेचिनो। तो बहुत ज़्यादा यहाँ वेदर ठंडा है, तो चलिए कैपेचिनो लेते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है हॉट कैपेचिनो। और ये है स्टारबक्स, यहाँ पर आप बैठ के पी सकते हैं और यहाँ पर गर्ल्स ही काम करती हैं। अगर US में बात करें, यहाँ पर जितनी मोस्टली गर्ल्स ही आपको दिखेंगी मेट्रो चलाते हुए, हर जगह गर्ल्स ज़्यादा काम करती हैं यहाँ पर, और यहाँ आप बैठ कर पी सकते हैं। तो ऑर्डर दे रहे हैं हस्बैंड और हम लेंगे हॉट कैपेचिनो, देन उसके बाद जाने वाले हैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट और मिल गई है कैपेचिनो। और चलिए बाहर का वेदर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है ये देखिए। तो फाइनली मेरी कॉफ़ी मिल गई है, किसको लाटे कॉफ़ी कैपेचिनो पसंद है जरूर बताइए कमेंट कर, पीछे माउंटेन का व्यू। तो चलिए चलते हैं अब मैक्सिकन रेस्टोरेंट और आपको दिखाते हैं, और इसका भी ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। और यहाँ से हम लेंगे वेजी बाउल बच्चों के लिए, और लेने के बाद फिर निकलेंगे घर की तरफ। चलिए इसका भी नज़ारा एक बार फिर से दिखाते हैं अंदर, यहाँ पर बैठकर हम कभी कभी यहाँ भी खा लेते हैं या फिर टू गो कर लेते हैं। टू गो मीन्स लेकर पैक करवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं या फिर जाकर सामने से ऑर्डर दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए है रेस्टोरेंट में, आप बैठ कर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है ये वाला व्लॉग, अच्छा लगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी इससे जुड़े हुए व्लॉग हैं तो आप लोग देखिए, इंजॉय करिए, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अब तक के टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।